हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सब्ज़ी लेकर आई हूँ जब आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाना है तो आप इसे बना सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है। तो मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने एक टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देंगे थोड़ा। इसके बाद मैं इसके अंदर अनियन डाल रही हूँ, चॉप्ड अनियन डाला मैंने एक। इसमें जीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसको चला लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला मैंने 1 टीस्पून। इसको चलाते रहेंगे साथ साथ। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, सौते ही करना है बस। इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये सब्ज़ी इतनी खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, और बन भी जाएगी, बहुत जल्दी बनेगी ये। जैसे कभी कुछ समझ नहीं आता क्या सब्ज़ी बनाएं तो आप ये बना सकते हो। ये दही की सब्ज़ी है, दही तो होती ही है सबके घर में। अब मैं टमाटोज डाल रही हूँ 2 चॉप किए हुए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसको सौते कर लेंगे। अब इसमें मैं टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छी तरह से। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, आप ट्राई करना इसको ज़रूर, और बनेगी बहुत बहुत ही जल्दी बनेगी। अब मैं रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छी तरह से, सौते कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने ताकि मसाले और टमाटर भी गल जाएँ, मसाले भी मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से इसके अंदर, और थोड़े मैश भी हो जाएंगे टमाटोज। ये देखिए, इसमें मैं कर्ड डाल रही हूँ 1/2 कप कर्ड डाली है मैंने इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब ये पानी छोड़ेगी बाद में, इसको कवर करके रख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट ही कवर करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब लिड को ओपन कर रही हूँ मैं। ये देखिए, पानी सूख चुका है काफ़ी हद तक। अब इसको सौते कर लेंगे अच्छी तरह से। ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ मैं चॉप्ड, चॉप्ड कोरिएंडर डाल रही हूँ अब मैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ना, और पानी इसका सूख चुका है, ऑयल छोड़ रही है ये। ये देखिए बर्तन छोड़ दिया ना इसने, कढ़ाई छोड़ दिया बिल्कुल। ये देखिए, ये बनकर रेडी हो गई है अब ये। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और बना के देखना, और मुझे बताना कि कैसे बनी, कमेंट करना ज़रूर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।